हेलो फट्टी टू, अभिवादन आपका एग्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। पेट साफ हो इसके लिए न जाने कितने जतन लोग करते हैं। जिनका पेट साफ नहीं होता उनके लिए आज बाजार हजारों आयुर्वेदिक एलोपैथिक होम्योपैथिक प्रोडक्ट से भरा पड़ा हुआ है। तो पेट कैसे हो साफ, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आज हम बात करेंगे पखाने के बारे में। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अगर पेट साफ ना हो तो कितनी बड़ी समस्या है, ये तो उन लोगों से पूछिए जिनका सुबह पेट साफ नहीं होता। पूरे दिन काम में मन नहीं लगता और दिनचर्या खराब हो जाती है। पेट साफ ना होना सुनने में तो छोटी सी समस्या लगती है, लेकिन ये कई अन्य गंभीर समस्याओं की जड़ भी है। पखाने को हिंदी में गुह और अंग्रेजी में पूह कहते हैं। स्टूल, लैट्रिन, पट्टी जैसे शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर उर्दू ने तो कमाल कर दिया। उर्दू में इसे पखाना कहा जाता है। आखिर यह आता तो खाने से है, इसलिए इसे पा यानी पवित्र और खाने के साथ जोड़ दिया गया है। उर्दू में एक शब्द तो आपने सुना ही होगा, पाकीजा। इसका अर्थ है सुंदर, पवित्र और हसीन। जरा सोचिए, पा प्लस कीजा का मतलब अगर सुंदर, पवित्र और हसीन है तो पा प्लस खाने का मतलब पखाना। यह कम से कम इतना तिरस्कृत तो नहीं होना चाहिए जैसे गुह या टट्टी। यह इतना तिरस्कृत है कि हम इसके बारे में शायद ही कभी खुलकर बात करते हैं, अगर हम अपच की समस्या से ग्रसित नहीं है तो। मुझे लगता है कि पखाने को लेकर अभी हमें अपने नजरिए को और पवित्र करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मोशन है तो इमोशन है। दुनिया में सबसे प्रसन्न व्यक्ति वही है जो लैट्रिन से सफलतापूर्वक वापस आ जाए। हम में से कई सारे लोग जो आधे अधूरे ही वापस आते हैं और कई सारे जो दिन भर इधर उधर पेट साफ करने की जुगत में लगे रहते हैं। हम में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पेट साफ हुआ या नहीं, और धीरे धीरे यही कन्फ्यूजन कब्ज में बदल जाता है, और कब्ज से होते हुए यह पाइल्स और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह सफलतापूर्वक पेट साफ हो जाना न सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि यह आपके इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारी पॉटी में जो गड़बड़ी होती है वह 5 कारणों से होती है। पहला, फाइबर की कमी। आपका पेट सुबह अच्छी तरह से साफ हो इसके लिए आपको कम से कम 30 से 50 ग्राम फाइबर रोज खाना चाहिए। इसके उलट हम 10 से 15 ग्राम फाइबर खा रहे हैं, और जो भी खा रहे हैं वह लगभग पचा पचाया फाइबर है। हम लोग सुपाच्य खाने के चक्कर में आ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी देर पेट में रुके और पूरा ना पचे, थोड़ा निकलने के लिए भी बचे। तो खाने में फाइबर बढ़ाइए और मुस्कुराते हुए लैट्रिन से बाहर वापस आइए। और फाइबर आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है अंकुरित अनाजों से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट रोज सुबह साफ हो तो खाने में अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां बढ़ाइए, और साथ में पैकेट फूड जैसे चिप्स, टिक्की, बतासे, समोसे, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, रेड मीट आदि से परहेज कीजिए। इसके बाद अपच का जो दूसरा कारण है वो है आरओ या बोतल वाला पानी। आप में से जिनके घरों में आरओ या बोतल वाला पानी आता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके सेवन के कुछ दिन बाद से ही आपको अपच की समस्या शुरू हो जाती है। यह होता इसलिए है कि आरओ या बोतल के पानी का टीडीएस 100 से नीचे होता है, जबकि अच्छे पाचन के लिए पानी का टीडीएस 350 से ज्यादा होना चाहिए। जब पानी का टीडीएस कम होगा तो वह आंतों में ठहरेगा नहीं, और जब पानी आंतों में नहीं ठहरेगा तो मल कड़ा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पट्टी सही हो तो आपको 300 से 350 टीडीएस का पानी पीना चाहिए, या तो आप नॉर्मल पानी लीजिए और उसे आरओ या बोतल वाले पानी में आधा नॉर्मल पानी मिलाकर सेवन कीजिए। आपके पीने का पानी कैसा हो इसके बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्यादा जानकारी के लिए आप उसे भी देख सकते हैं। और अब बात तीसरे कारण की, वो है कमजोर आंतें। हम लोगों की आंतों की मसल्स कमजोर हो गई हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं या जिनका पेट ज्यादा निकला होता है उनके आंतों की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, और अगर आंत ही कमजोर हो गई है तो मोशन कैसे अच्छा होगा जरा सोचिएगा, और जब मोशन आधा अधूरा रहेगा तो फिर पेट कैसे साफ होगा, यह भी एक विचार का प्रश्न है। ऐसे में होगा यही कि पट्टी आधी बाहर और आधी अंदर। पट्टी उसे कहते हैं जो वन पीस सटाक से निकले। पट्टी टुकड़े टुकड़े में निकलना आंतों की कमजोरी की तरफ इशारा करता है। और आइए अब जानते हैं चौथे कारण, वेस्टर्न टॉयलेट के बारे में। दरअसल हमारे शरीर में प्रकृति ने एक लॉक लगाया है, और यह लॉक इसलिए लगा है कि हमारी पट्टी चलते फिरते न गिर जाए। और यह लॉक पूरी तरह तभी खुलता है जब हम लोग उकड़ू यानी इंडियन स्टाइल में बैठे हों, और जब हम वेस्टर्न स्टाइल के कमोड पर बैठते हैं तो यह लॉक आधा अधूरा खुलता है और पट्टी आधी अधूरी होती है। वेस्ट को यह बात समझने में 200 साल लग गए कि उनके टॉयलेट के डिजाइन में कुछ गड़बड़ है।
लेकिन अब वह अपने टॉयलेट के साथ कुछ ऐसे अटैचमेंट लगा रहे हैं कि वह इंडियन स्टाइल में बैठ सकें, और एक हम लोग हैं जो अपना इंडियन स्टाइल छोड़कर घरों में वेस्टर्न कमोड लगा रहे हैं। तो अगर आपके घर में भी वेस्टर्न कमोड है और आप अपच की समस्या से पीड़ित हैं, तो आप इंडियन स्टाइल में बैठने की कोशिश करें। और अब बात पांचवें और अंतिम कारण, नींद और तनाव के बारे में। जब आप तनाव में होते हैं तो ठीक से सो नहीं पाते और पाचन की पूरी प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि एंजाइम्स पूरी तरीके से स्रावित नहीं होते और अपच की समस्या होती है। इसलिए अगर आप अपनी पट्टी सही रखना चाहते हैं तो तनाव दूर करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक 40 मिनट रोज करना चाहिए। आप चाहें तो योग को भी अपना साथी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप पाचन अच्छा चाहते हैं तो आपको भरपूर नींद और तनाव से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और आइए अब आपको एक नई जानकारी देता हूँ। हमने बचपन से सुन रखा है कि पट्टी एक गंदी चीज है, पर अब एक नई चीज पता चली है कि हेल्दी लोगों की पट्टी भी लोगों की बीमारियां ठीक कर सकती है। जी हाँ, यह सही है। अब हेल्दी लोगों की पट्टी बीमार लोगों को खिलाई जा रही है। मेडिकली इसे FMT कहते हैं, यानी फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। इस पद्धति के इलाज में स्वस्थ लोगों की पट्टी बीमार लोगों को या तो कैप्सूल में डालकर खिला दिया जाता है या एनिमा द्वारा लगा दिया जाता है। आजकल सेहतमंद लोगों की 50 ग्राम पट्टी $250 तक में बिक जाती है। तो सेहतमंद होने का यह भी फायदा है कि आपकी रोज पट्टी भी 15,000 से 20,000 रुपए में बिक जाएगी। मुझे उम्मीद है कि पट्टी को लेकर आपका नजरिया थोड़ा बदलेगा जरूर इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।